चाय। थैंक यू विनायक, थैंक यू। टॉम, मैंने अशोक की परवरिश नहीं की, वो अपने मां की निगेबानी में बड़ा हुआ है, इसलिए वो औरत की जज्बात अच्छी तरह समझ सकता है। मुझे नहीं लगता उसे जैनी की कामयाबी में कोई परेशानी हो सकती है। दोस्त, ये मैं मान भी लेता, लेकिन अशोक फिर इनॉग्रल पार्टी में आया क्यों नहीं? वजह कोई और भी हो सकती है। अच्छा यह है कि जेनी को अशोक से बात करने दो, तुम खामखा क्यों टेंशन में हो रहे हो? विनायक, जेनी की परेशानी क्या मेरी परेशानी नहीं है? आखिर वो मेरी इकलौती बेटी तो है। हाँ दोस्त, बेटी भगवान का दिया हुआ प्यारा और अनमोल उपहार होती है, और अगर उस अनमोल उपहार को जरा सी चोट पहुंचे तो बाप का दिल पाश पाश हो जाता है। मैं इसी बात से तो डर रहा था। विनायक, टॉम, अंजलि, अंजलि ठीक तो है? हाँ अंजलि तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो टॉम। खुदा करे मेरी ये बात झूठ निकले, सरासर झूठ। अब कहो भी टॉम। विनायक, ये बात शकुंतला ने मुझे बता दी, इसलिए मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये जरूर तुम तक पहुंचने के लिए उसकी कोई नई चाल है। क्या बताया शकुंतला ने? कि अंजलि प्रेग्नेंट है।